विनेश फोगाट अब पहलवानी का दांव राजनीति में आजमाने जा रही हैं, और इससे पहले विनेश फोगाट ने रेलवे से अपना इस्तीफा दे दिया। रेलवे सेवा जीवन का यादगार समय रहा। अपने इस्तीफा के साथ विनेश फोगाट ने कहा, उन्होंने कहा कि रेलवे परिवार की सदा आभारी रहूंगी। रेलवे के सक्षम अधिकारियों को उन्होंने अपना त्याग पत्र सौंप दिया है। कांग्रेस ज्वाइन आज करने वाली हैं विनेश फोगाट। उससे पहले उन्होंने अपनी नौकरी से त्याग पत्र दिया है। भारतीय रेलवे से वो जुड़ी हुई थी और उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, और अब आज कांग्रेस वो ज्वाइन करेंगी। और माना यह जा रहा है कि हरियाणा में विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है उसमें वो कांग्रेस की उम्मीदवार भी होंगी, कांग्रेस के टिकट पर चुनाव भी लड़ेंगी। चरखी दादरी से उनके चुनाव लड़ने की संभावना जताई जा रही है, और आज कांग्रेस की पहली सूची भी जारी होने वाली है, तो उम्मीद ये की जा रही है कि उस सूची में विनेश फोगाट का भी नाम होगा। विनेश फोगाट ने रेलवे परिवार के प्रति अपने आभार व्यक्त करते हुए अपना त्याग पत्र सौंपा है। कांग्रेस पार्टी में शामिल होने से पहले उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दिया। विनेश फोगाट का एक सफल करियर रहा है रेसलिंग में, और उन्होंने एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीते हैं, और ओलंपिक में भी इस बार उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, फाइनल तक पहुंची थी, लेकिन 100 ग्राम वेट ज़्यादा होने की वजह से, वजन 100 ग्राम ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से उन्हें डिसक्वालीफाई कर दिया गया, पदक से महरूम रह गई। लेकिन उसके बाद उन्होंने शिकायत भी दर्ज कराई थी, और उसके बाद उनके मामले में कोई फैसला नहीं हुआ, उनके खिलाफ ही फैसला हुआ। तो बहरहाल अब वो राजनीति में जोर आजमाइश करने वाली हैं।